सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और HMC सीरीज की ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि HMC मशीन में कौन कौन सी एक्सेस यूज होती है और ये एक्सेस किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि HMC मशीन किस टाइप से वर्क करेगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HMC मशीन जो है मेनली 4 एक्सेस और 5 एक्सेस के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 एक्सेस HMC मशीन की। तो यहाँ पर VMC मशीन के सिमिलर 3 एक्सेस होती हैं, X, Y और Z। इसके अलावा इसमें जो है एक एडिशनल एक्सेस होती है, इसको बोलते हैं बी एक्सेस या इसको ट्रिम एक्सेस भी बोलते हैं। तो ये जो बी एक्सेस है इसका यूज होता है एक्चुअल में वर्कपीस को रोटेट करने के लिए। जब हम VMC मशीन यूज करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक फेस जो है मशीनिंग के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर आपको टेपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ टॉप जो सरफेस होता है वही मिलता है। बट HMC मशीन में क्या होता है, यहां पर आपको जो है साइड जो फेस होता है वो आपको मिलता है, लेकिन अगर आप वर्कपीस को रोटेट कर देते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम 4 फेसेस मिल जाते हैं। वर्कपीस के आपको 4 जो है फेसेस आपको आसानी से मशीनिंग के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो है बी एक्सिस एक्चुअल में वर्कपीस को रोटेट कराने के लिए होती है और इसका यूज जो है 3D प्रोग्राम्स में किया जाता है। तो ये हो गई हमारी HMC मशीन की बी एक्सिस। तो यहां पर मैं आपको जो है एक चीज दिखा देता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो स्पिंडल आपको दिखाई दे रहा है ये जो है अप और डाउन मूवमेंट होता है इसका। तो ये जो है वाई एक्सिस होती है और जब इस स्पिंडल का जो है साइड वाइज मूवमेंट होता है तो ये जो है एक्स एक्सिस में हमारा मूवमेंट होता है। और तीसरा जो होता है आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में क्या होता है कि हमारा जो पैलेट है यानी ये जो हिस्सा है ये आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करता है, तो ये हमारा जेड एक्सिस कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि 2 एक्सिस में जो है हमारे स्पिंडल को फ्रीडम होता है, यानी कि स्पिंडल जो है हमारा ऊपर नीचे हो सकता है और साइड वाइज हमारा मूवमेंट कर सकता है, वहीं आगे और पीछे के लिए हमारा जो है पैलेट का मूवमेंट होगा। ये जो पैलेट है इसके ऊपर हमारा वर्कपीस फिक्स रहेगा और ये जो है आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा। अब जो बी एक्सिस होती है ये होती है हमारी इस सरफेस के ऊपर लगा हुआ वर्कपीस को रोटेट कराती है। यहां पर जो है एक सिंक्रोनस मोटर लगी होती है इस पैलेट के अंदर जो इस वर्कपीस को रोटेट करा देती है। अलग अलग एंगल पर जो है हम इसको रोटेट करा सकते हैं। अलग अलग एंगल पे रोटेट कराने के लिए हमको जो कमांड यूज करनी होती है वो होती है बी और उसके साथ में जो है एंगल की वैल्यू देनी होती है। जैसे ही हम बी के साथ में कोई एंगल दे देते हैं तो हमारा जो ये पैलेट है ये उतने ही एंगल पर रोटेट हो जाता है। अगर हमें सिर्फ इसकी टेस्टिंग करनी है कि हमारा जो पैलेट है वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आप जो है MDI मोड सेलेक्ट करके जो है टाइप कर सकते हैं बी 90 डिग्री या 180 डिग्री डाल दीजिए, उसके बाद जो है एंडो ब्लॉक और इंसर्ट जो है बटन डाल के फिर उसके बाद आप जो है साइकिल स्टार्ट बटन को रोटेट कर दीजिए तो आपकी मशीन का जो पैलेट है वो उतने ही एंगल पर रोटेट हो जाएगा। ये जो है इसको आप चेक कर सकते हो। वहीं हम अगर प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम जो है सिंपली बी के साथ में एंगल दे देते हैं। अगर हम बी के साथ में एंगल देते हैं तो जो ये पैलेट है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए अगर हम बी के साथ में सिर्फ एंगल देते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है हमें जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको जो है एक कोड यूज करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं M15 कोड। M15 कोड से क्या होगा कि आपका जो वर्कपीस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है बी और एंगल जिस एंगल पे आपको रोटेट करना है, उसके बाद जो है आपको M15 टाइप कर देना है, उसके बाद एंडो ब्लॉक और इंसर्ट बटन के साथ में आप जो है साइकिल स्टार्ट बटन को दबा दीजिए, उसके बाद जो है आपका जो पैलेट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है
अपनी मशीन की बी एक्सिस का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप देख सकते हैं कि जो जो पैलेट है आपका रोटेट कर रहा है, ये जो है आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम में ये वैल्यू डाल सकते हैं। तो प्रोग्राम में जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो है हम अपने वर्कपीस को किस फेस की तरफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसके 3D प्रोग्राम्स बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है हम कैसे रोटेट करेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं आपको जो है HMC मशीन की एक्सिस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HMC मशीन जो है VMC मशीन की तरह ही काम करती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस जो है एडिशनल होती है, जिसको बी एक्सिस बोलते हैं और इसको जो है ट्रिम एक्सिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है वो किस तरह से काम करती है। हमारा जो वर्क पीस होता है वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है प्लेस होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका वर्क पीस का फ्रंट फेस है, ये साइड फेस है। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखें जैसे ये स्क्वायर जो है एक वर्क पीस है, तो ये जो पैलेट है इसके ऊपर कुछ इस साइड से जो है प्लेस होगा, तो टूल का जो मूवमेंट होगा वो इसके फ्रंट से होगा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे मशीनिंग के लिए जो है इसके पास एक फेस है। अगर हमको जो है इस वर्कपीस को रोटेट कर देंगे तो इसके जो चारों फेस है ये सारे के सारे जो है इस टूल के आगे जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो यही काम जो होता है वो बी एक्सिस का इसमें होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो हम यहां पर समझेंगे कि किस तरह से हम जो है इसका मूवमेंट करा सकते हैं। तो ये हमारा जो है फ्रंट फेस है। यहां पर जब हम अगर साइड वाइज अगर अपने टूल का मूवमेंट कराते हैं, यानी वर्कपीस के फेस पे ये जो फेस है इसके सामने जो है इधर उधर करेंगे तो ये हम एक्स में वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम अप या डाउन मूवमेंट कराना है तो हम वाई में जो है वैल्यू देंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई में हम ऐसे देते हैं। ठीक है, जब हम टूल को जो है जब हम वर्कपीस को टूल के सामने आगे या पीछे करते हैं तो ये हमारा जो है जेड एक्सिस का मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि जो है ये जो है सामने जो है हमारा जेड रहेगा। ठीक है, और फ्रंट में जो है इसका मूवमेंट एक्स का रहेगा और ये वाई रहेगा। तो ये जो है कोऑर्डिनेट कुछ इस साइड से रहेगा, जेड एक्स और वाई। ठीक है, अब हमें तीसरी एक्सिस यानी कि बी एक्सिस के बारे में समझना है कि ये बी एक्सिस एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो बी एक्सिस को एक्टिवेट करने के लिए हमको जो है एक कोड यूज करना पड़ता है, बी और M15। ठीक है, M15 जो होता है इस वर्कपीस को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। ठीक है, अगर हमको MDI मोड में अपने जो है वर्कपीस को रोटेट कराना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, बी एंगल और M15 लिख देंगे, तो हमारा जो है ये जो वर्कपीस जो पैलेट पे फिक्स है वो रोटेट हो जाएगा। कितने एंगल पर होगा, वो 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, यहां पर आप जो है कोई भी एंगल वैल्यू यहां पर रख सकते हैं। अब यहां पर M15 इसलिए हमने यहां पर लिखा है क्योंकि हम जो है वर्कपीस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर हमको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो हम जो है M15 कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, MDI मोड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बी 45 डिग्री पे हमें रोटेट करना है, उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट और फिर साइकिल बटन जो है ऑन कर देंगे तो हमारा जो वर्कपीस है वो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये MDI मोड में अपने वर्कपीस को रोटेट करा देंगे। और उसके बाद हम जो है VMC मशीन का जो प्रोग्राम हमने बनाया है वही प्रोग्राम हम इसमें रन करा सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है जो बिल्कुल ही बिगिनर है और HMC मशीन को एज ए VMC मशीन यूज करना चाहता है तो। ठीक है, तो सारे के सारे जो VMC मशीन के प्रोग्राम्स है वो हम HMC मशीन पर रन करा देंगे। लेकिन जब हम ऑटो मोड में ये सब चीजें करेंगे तो हम किस तरह से रखेंगे वो हम आपको जो है प्रोग्राम में रख के बताएंगे कि कैसे आप जो है प्रोग्राम में ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सिस के बारे में कि इसमें हम जो है चार एक्सिस यूज करते हैं और चारों एक्सिस का यूज हम किस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमें HMC मशीन को जो है रेफरेंस करना है, यानी कि सभी एक्सेस को अपनी मशीन रेफरेंस पोजीशन पर भेजना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो कोड यूज करते हैं वो होता है हमारा G28 कोड। जैसे कि हम जो है
सीएनसी टर्निंग और सीएनसी मिलिंग जो वीएमसी मशीन है उसमें यूज करते हैं। यहाँ पर भी अगर आपको जो है बी एक्सिस को अपनी होम पोजीशन पर वापस भेजना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एमडीआई मोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप G28 कोड को यूज करिए और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है बी और जो एंगल है, ठीक है, उस एंगल पे जो है आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप जो है एंड ब्लॉक इंसर्ट और देन साइकिल स्टार्ट बटन को प्रेस कर दीजिए तो आपका जो बी एक्सिस है वो अपनी होम पोजीशन पर वापस पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एमडीआई मोड में आप जो है बी एक्सिस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्राम में ये चीज करनी है तो आप जो है डायरेक्ट जो है G28 और बी स्पेस देके जो है आप उसमें एंगल डाल दीजिए, आपका जो है मशीन रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो है एक्सिस के बारे में पता चल गया होगा कि एचएमसी मशीन 4 एक्सिस में आप जो है एक्स वाई जेड इन 3 एक्सिस के अलावा जो है बी एक्सिस का यूज करते हैं, ठीक है। बी एक्सिस इस पे आप जो है पैलेट को रोटेट कर लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।